कुशीनगर हादसे के बाद भी कई जिलों में प्रशासन की लापरवाही के चलते स्कूल बच्चों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। कन्नौज से कुछ इसी तरह की लापरवाही की तस्वीरें सामने आई हैं। कुशीनगर में स्कूली वैन के हादसे के बाद सरकार एक्शन में आ गई है, लेकिन इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद भी कन्नौज जनपद का प्रशासन सोया हुआ है। न प्रशासन को चिंता है, न ही स्कूल चला रहे संचालकों को बच्चों की फिक्र है। स्कूल आज भी मनमानी कर रहे हैं। बच्चों को ले जाने वाली स्कूली बस हो या वैन, बच्चों को किस कदर स्कूल ले जाती है ये किसी से छुपा नहीं है। छिबरा मऊ के गैलेक्सी पब्लिक विद्यालय में 1 से लेकर 12 तक के बच्चों की पढ़ाई कराई जाती है। विद्यालय में छोटे बच्चों को स्कूली वाहन घर से ले जाते हैं और छुट्टी होने के बाद उन्हें बस या छोटे वाहन से घर भेज दिया जाता है। पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चों को जिस वाहन से भेजा जाता है, उन गाड़ियों को आप बच्चों से भरा देख ले तो आप दांतों तले उंगलियां दबा लें। छोटे बच्चों को घर पहुंचाने वाले वाहन बच्चों को भर कर घर ले जाते हैं। वाहन में 12 बच्चों की जगह पर उससे अधिक बैठाकर बच्चों की जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, गाड़ी चालक से जब बात की तो जवाब क्या मिला ये भी सुन लीजिए। गाड़ी गड़बड़ है, उसके बच्चे इसमें अर्जेंट है, दूसरी गाड़ी के बच्चे। हाँ, 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 वो अभी यहीं उतर जाएंगे सभी बच्चे, 100 रुपए आएंगे। दिक्कत नहीं होती बच्चों को ऐसे बैठने में? नहीं, दिक्कत क्या, बच्चे जल्दी मारे खुद बैठ जाते, हम तो मना कर रहे बच्चों, नहीं मानते ही नहीं। पूछो आप खुद बच्चों को, पूछो कितने बच्चों को हमने मना किया, बच्चों मना किया हमने है, लेकिन अब बच्चे जल्दी की बजट नहीं मानते, उसमें हम क्या कर सकते हैं आप बताओ। अगर किसी को हम हाथ पकड़ उतार दे तो वो गार्जियन आ जाते हैं, लो तो मेरे बच्चे नहीं ले जाते हो, हम तो हर चक्कर से फंसते हैं हम लोग, क्या करें भाई। फिलहाल विद्यालय प्रशासन हो या जिला प्रशासन हो, अभी भी बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं। इस हादसे के बाद यहां हुई श्रद्धांजलि सभा में कैंडल जलाकर बच्चों को श्रद्धांजलि दी गई। कुशीनगर हादसे से पहले भी इस तरह के हादसे हो चुके हैं, लेकिन समय बीतने के साथ ही प्रशासन फिर इस तरह के मामलों में ढिलाई बरतने लगा है, जिससे फिर एक बड़ा हादसा हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।